आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है, 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। एटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानी ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इदा अखरज यदहु लम यकद यराह, लम यकद यराह वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पर अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहाँ का, ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा, ये कुरान में आई कैसे बात। सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं, ये पहले से कहां से आ गई कुरान। फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफ़र बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफ़र में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला, लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साल जिंदगी में आपने एक मरतबा भी समंदर का सफ़र किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा, जो कभी समंदर को गया ही नहीं वो अगर एटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें